गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आज हम आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ाएंगे। शुरू करें बच्चों, कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, अध्याय 20 उगता सूरज पूरब में। मेरा नाम राजेश शर्मा, मेरे साथ बाला कुमारी हैं। सारांश, हीरा रोज सुबह अपने दादाजी के साथ घूमने जाती है। एक दिन उगते सूरज की ओर मुंह करके दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। हीरा ने दादाजी से कहा कि गुरुजी ने बताया है कि अगर हम उगते सूरज की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं तो पूरब दिशा हमारे सामने व पश्चिम दिशा हमारे पीछे होगी। समझ में आए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। हमारे दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। प्यारे बच्चों, इस चित्र में देखो, दोनों बच्चे खड़े हैं, इनके सामने उगता सूरज है, पूरब दिशा होगी। बच्चों के पीछे पश्चिम दिशा, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। चारों दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। समझ में आया बच्चों? अपनी पुस्तक में चारों दिशाएं इसी प्रकार से होती हैं। स्थान संकेत, नक्शे में मुख्य सड़क, इसका संकेत ये वाला। रेलवे लाइन नक्शे में इसका संकेत रेलवे स्टेशन, नक्शे में यह वाला संकेत प्रयोग में लेते हैं। नदी के लिए यह वाला, पुल का संकेत ये वाला होता है, कच्ची सड़क का संकेत यह वाला होता है, पेड़ का संकेत, पहाड़ी का
यह वाला नक्शे में अस्पताल का संकेत यह चिन्ह होता है, विद्यालय का यह चिन्ह होता है और घर के लिए इस चिन्ह का उपयोग नक्शे में किया जाता है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, सूरज किस दिशा में उदय होता है? बताओ बच्चों, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर एक, संकेतों की सहायता से हम रिक्त स्थान पढ़ सकते हैं। बताओ बच्चों, नक्शा नंबर दो, पूर्व के विपरीत रिक्त स्थान दिशा है। बताओ बच्चों, पश्चिम दिशा। नंबर तीन, नक्शे की सहायता से हम दो स्थानों के मध्य रिक्त स्थान ज्ञात कर सकते हैं, दूरी को। समझ में आया बच्चों? प्रश्न तीन, दिशाएं कितनी होती हैं? नाम बताइए। उत्तर, दिशाएं चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक, पूर्व, नंबर दो, पश्चिम, नंबर तीन, उत्तर, नंबर चार, दक्षिण। समझ में आए बच्चों? आगे बढ़ते हैं प्रश्न चार, नक्शे के क्या उपयोग हैं? उत्तर, नक्शे की सहायता से हम दो स्थानों के बीच की दूरी को जान सकते हैं। समझ में आए बच्चों? इसी प्रकार सभी बच्चे घर पर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।